खम्मा गणेशा। जोधपुर राजस्थान का ये शहर जिसे ब्लू सिटी कहते हैं और जिसकी मेहमान नवाजी पूरे भारत में प्रसिद्ध है, जो वाकई में आपको इस शहर से प्यार करने पर मजबूर कर देगा। मैं आई थी अपने सोलो ट्रिप पे जोधपुर की खूबसूरती को देखने और साथ ले आई यहाँ की मीठी यादें। तो चलो मेरे नज़रों से लेके चलती हूँ जोधपुर की गलियों से लेकर जोधपुर के विशाल महल, यहाँ के अद्भुत और स्वादिष्ट राजस्थानी व्यंजन से लेकर ब्लू सिटी का अनोखापन। एक बेहतरीन सफर के लिए तैयार हो जाइए, स्वागत है जोधपुर। What's up guys, it's Grishma and welcome to my channel and welcome from the blue city of Rajasthan, Jodhpur. So I am in Jodhpur for 2 days and mera ek solo trip hone wala hai. Being a big fan of history and architecture, ye place mere liye ek dream destination hai and I'm super excited to explore it. Main pehle bhi Rajasthan aa chuki hu and wo tha Jaipur and now main aayi hu 4 din ke liye, 2 din Jodhpur aur 2 din Udaipur ka. Ye bahut hi interesting vlog hone wala hai jisme main sare places aapko dikhaungi जो आप 2 दिन में कवर कर सकते हो। पहले जानते हैं कि जोधपुर आए कैसे हैं और उसके बाद जानते हैं कि जोधपुर में स्टे कहाँ होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। जोधपुर का खुद का रेलवे स्टेशन है दैट कनेक्ट्स मेजर सिटीज। यहाँ की बस फैसिलिटी भी अच्छी है फ्रॉम नियर बाई सिटीज और जोधपुर में एयरपोर्ट भी है। मैं पहुंची जोधपुर वाया फ्लाइट फ्रॉम मुंबई विच वॉज अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स। जोधपुर रीच होते ही एयरपोर्ट के बाहर से मैंने लोकल ऑटो रिक्शा किया। यहाँ ओला उबर एयरपोर्ट वाले एरिया में अलाउ नहीं करते हैं, इसीलिए बाहर से रिक्शा पकड़ना पड़ता है। दैट कॉस्टेड मी ₹200 टू रीच टू माई हॉस्टल जो कुछ 6 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है फ्रॉम दी एयरपोर्ट। Hostel. It's a budget property for backpackers, so I booked the room for around like 500 rupees, quite cheap and affordable. So मैंने dorm book किया है, यहाँ पे private rooms भी है. So dorms में I'm sharing with like 6 other people, 6 other females. So there's female dorm and there is also the mixed dorm. I'm staying in the female one. And this property is very close by to all the location. मतलब ये city center में आता है, घंटाघर जो आपका main market area है, कुछ walking distance की दूरी पे है, 10 से 15 minute, which is awesome. एंड रूम भी काफ़ी डिसेंट है, जस्ट मुझे तो पूरा दिन बाहर ही रहना है, जस्ट कमिंग बैक टू जस्ट लीव। दिस इज़ द प्रॉपर्टी एंड द व्यू फ्रॉम हियर इज एब्सोल्युटली स्टनिंग। यू हैव द व्यू ऑफ द मेहरानगढ़ फोर्ट विच इज़ ब्यूटिफुल। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। माई सेल्फ अ स्कूटी फॉर 300 rupees पर डे एंड इसका एडिशनल पेट्रोल है एंड दिस आई हैव ओवर हियर एंड अभी हम लोग इसमें आगे बढ़ने वाले हैं टू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग ब्यूटिफुल सिटी ऑफ जोधपुर। जोधपुर ट्रैवल करने के लिए यू कैन ऑप्ट फॉर अ रेंटल स्कूटी लाइक आई डिड या फिर ऑटो रिक्शा या कार हायर कर सकते हैं फॉर द एंटायर डे, जो कुछ 700 टू 1200 रुपीस की रेंज में पड़ता है। या फिर रैपिडो ये ऐप यूज़ करके ऑटो या कार बुक कर सकते हैं ट्रैवल करने के लिए। I finally made it to the first location, which is the Ummed Bhavan. यहाँ पे आने के लिए एक टास्क था because location Google Maps में कुछ और था और actually जो म्यूज़ियम है उम्मेद भवन का वो किधर और है। It's located uphill on the top. तो अभी मैं आ चुकी हूँ, स्कूटी मैंने पार्क किया है पार्किंग में for 20 rupees and now I am gonna enter the Ummed Bhavan. I made it to the Ummed Bhavan Palace and I must say it's beautiful. Like the architecture is marvelous and there are like less number of people over here because mostly log Mehrangarh fort jo main fort hai wahan jaate hai, but this is an outstanding structure that you have to come and visit. Also fun fact, yahan pe hi Priyanka Chopra and Nick Jonas ka jo shaadi hua tha, this is where it happened. So now let's go and check it out. It's
named after Maharaj Umed, who is the grandfather of the current king, who is Gaj Singh. This palace is divided into three parts. One part is the private residence, which is the largest private residence in India. The other part is the museum, where I am currently exploring the artifacts and the history of this place. And the last part is the hotel, which is managed by the Taj Group of Hotels. Was by far the most beautiful room. Pure murals banaye, hand painting, alag alag stories and alag alag characters ka istemal karke bahut hi khoobsurat banaya hai and waqai mein dekhne jaisa hai. Definitely come here and check out this place. यहाँ पे म्यूजियम विजिट के साथ देयर इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ विंटेज कार्ड ओन बाय द रॉयल फैमिली स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर 1927. बहुत ही अच्छे वेल मेंटेन्ड भी है. उनके व्हील्स तक कोई भी फ्लैट नहीं है, सारे मेंटेन्ड है. आई रिमेंबर सीइंग अ बिगर कलेक्शन इन अहमदाबाद. आई लीव दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन. वहाँ पर मैंने मोर देन लाइक 100 विंटेज कार्स देखे थे एंड वो म्यूजियम भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बढ़िया है. सो डू चेक इट आउट. उम्मेद भवन पैलेस देखने को मुझे हार्डली लाइक 30 मिनट्स लगा टू कंप्लीट द एंटायर पैलेस. ज़्यादा एरियाज आर नॉट ओपन टू पब्लिक इसीलिए. एंड नाउ आई एम कम आउटसाइड एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ द सिटी. यू कैन सी द बिल्डिंग्स एंड यू कैन सी द हाउसेस फ्रॉम दिस लोकेशन. अभी ये पहला लोकेशन हमारा कवर हो चुका है. नाउ आई एम गोना गेट बैक ऑन माई स्कूटी एंड गो ईट समवेयर बिकॉज अभी लंच का टाइम हुआ है. आई वॉन्ट टू ईट सम ऑथेंटिक फूड. और देखते अभी 2 बजा है कि तो चालू होगा कि नहीं द प्लेस दैट आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग. लॉन्ग ड्राइव आई मेड इट टू द रेस्टोरेंट कॉल्ड एज जिप्सी. ये यहाँ का बहुत ही फेमस है एंड इसके अलग अलग ब्रांचेस हैं यहाँ पे. सो आई केम टू वन ऑफ द ब्रांच एंड इट्स 2:30 ऑलमोस्ट एंड अभी भी वेटिंग है. बहुत ही लंबा लाइन है एंड लेट्स सी व्हाट दिस प्लेस हैज टू ऑफर. टर्न्स आउट आई वॉज वेटिंग एट द रॉन्ग जिप्सी फॉर फूड. तो नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे आला कार्ट सिस्टम है एंड ऊपर डाइनिंग हॉल है जहाँ पे थाली मिलता है. एंड आई वॉन्टेड टू ईट द थाली सो हियर आई एम. यहाँ पे बिल्कुल लाइन नहीं है एंड द थाली इज बीइंग सर्व. एक एक तो थाली ओवर हियर इज द राजस्थानी थाली जो 499 रुपीज़ का है एंड बहुत सारे वेराइटीज़ है. तो मैं उनको वही बोल रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा डालू बिकॉज आई एम द ओनली वन ईटिंग एंड मैं इतना खाती भी नहीं. फाइनली ऑल द फूड आइटम्स आर अराइव. बहुत सारे वेराइटी है इसमें. आई कुड सी 5 टाइप्स ऑफ भाजीज. देर आर 2 टाइप्स ऑफ दाल. देयर इज रायता. देयर इज बासुंदी एंड अ स्वीट इन दिस. एंड उसके साथ 4 प्रकार के राइस है. उसके साथ रोटी है, पराठा है और भी बहुत सारे. थेपला है, सोबरा है, सोबरा है, पूड़ी है, बाटिया रोटी है. 3 प्रकार का स्वीट है. चूरमा है बाटी का, लापसी है, सोबरे का चूरमा है, केसर बासुंदी है. पहले खाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दाल बाटी चूरमा. जो राजस्थान आके नहीं खाया तो ऐसे कैसे हो सकता है. एंड यस छाछ भी है. इतने सारे स्वीट तो मैंने कभी नहीं देखे राजस्थान में आके. इट्स अ गुड स्टार्ट टू द डे बाय ईटिंग सम ऑथेंटिक राजस्थानी कुजीन. थाली वॉज रियली नाइस. बहुत सारे वैरायटी थे एंड बहुत ही ऑथेंटिक फ्लेवर्स थे उसमें. मुझे तो काफ़ी भरा भरा लग रहा है बिकॉज मैंने कम ही खाया बट जो भी खाया बहुत ही फुल हो गया. उनका सर्विस थोड़ा सा स्लो ज़रूर है और स्टाफ में से कुछ स्टाफ थोड़े रूड है और कुछ कुछ बहुत अच्छे हैं. मैंने बस बोला कि एक एक्स्ट्रा राइस रख लो ताकि मुझे फ़ोटो निकालना है. ही वॉज थ्रोइंग टैंट्रम्स कि ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता है. बट द अदर स्टाफ वॉज रियली स्वीट एंड उन्होंने ला के दिया विच इज़ मच अप्रिशिएटेड. So yeah, this was my lunch here. I'm planning to go to the Mandor Garden, which is like 9 kilometers from this particular location. So let's go. So I finally made it to the Mandor Garden. Actually, मैं रास्ता भटक गई थी. मैंने एक गलती से एक फ्लाईओवर लिया एंड हैंस आई हैव टू टेक अ वेरी लॉन्ग रूट. वैसे भी मैंडोर गार्डन सिटी से 9-10 किलोमीटर्स की दूरी पे है तो वैसे भी दूर है. मुझे ऑलमोस्ट लाइक 25-30 मिनट्स लगा एंड इतने धूप में जो चलाना था वो अलग ही मज़ा था उसका. एनी वे बट यहाँ पर हाँ जो धूप है वो गर्मी ज़रूर है बट हवा ठंडी चलती है तो इतना गर्म नहीं होता है.
गार्डन। एंट्री फी कुछ नहीं यहाँ पे आने का, यू कैन जस्ट कम एंड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग एंड सीइंग दिस प्लेस। ये बेसिकली एक गार्डन है जिसमें टेम्पल्स है जो बहुत ही एंशियंट और बहुत ही इंट्रिकेट वर्क वाले है। मैंडोर गार्डन काफी बड़ा है एंड इसे घूमने को आई थिंक 2 से 3 घंटे लग सकते हैं बिकॉज इतने सारे चीजें हैं देखने को। एंड अगर आप हिस्ट्री के एंथुजियास्ट हो तो और भी सारी चीजें हैं आप डिस्कवर कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक अच्छी फैसिलिटी, यहाँ पे एक टॉय ट्रेन की फैसिलिटी है जो 10 रुपीज देता है, जो पूरा मैंडोर गार्डन का एक 1 राउंड टूर करवाता है। सो लेट्स गो एंड डू दैट बिकॉज मुझे देखना है कि यहाँ पे और क्या क्या है जो मैं पैदल कवर नहीं कर पाऊंगी बट टॉय ट्रेन के थ्रू जरूर कवर कर सकूंगी। आइसक्रीम मिलता है, स्नैक्स मिलता है एंड एक फूड कोर्ट भी है जहाँ पे आप खाना खा सकते हो, विच इज़ रियली अप्रिशिएटेड। तो यहाँ पे लोग शाम के टाइम पे आते हैं। आई सी अ लॉट ऑफ लोकल्स कमिंग हियर मैंडोर एरिया के, तो मैंडोर ये एरिया है वहाँ के लोकल्स बहुत यहाँ पे आए हैं एंड टूरिस्ट कम आते हैं बिकॉज ये थोड़ा जोधपुर से दूर है। मैंडोर गार्डन काफ़ी अच्छा गार्डन है, बहुत बड़ा है, देखने को कई सारी चीज़ें हैं एंड राजस्थानी आर्किटेक्चर आपको यहाँ पे ज़रूर दिखाई देगा। नाउ इट्स ऑलमोस्ट 5 एंड आई एम हेडिंग बैक टू द सिटी। थोड़ा रेस्ट करूँगी और उसके बाद शॉपिंग के लिए चलेंगे। सो इट्स मच लेटर राइट नाउ एंड आई एम हेडिंग टू द शॉपिंग एरिया टू डू सम शॉपिंग। सो लेट्स गो टू द घंटाघर एरिया। घंटाघर के अंदर भी हम जा सकते हैं, वी कैन एक्सप्लोर दैट एज वेल। सो मे बी वील गो एंड एक्सप्लोर एंड सी घंटाघर फर्स्ट एंड देन एक्सप्लोर द मार्केट्स। शहर की चहल पहल देखी यहाँ से और निकल पड़ी मार्केट्स को एक्सप्लोर करने। जोधपुर का सरदार मार्केट जो घंटाघर के पास है बहुत ही वाइब्रेंट है। यहाँ शॉपिंग के लिए कई सारी चीज़ें मिलती हैं। वॉच द फुल डिटेल्ड शॉपिंग वीडियो ऑन यूट्यूब आफ्टर दिस वन। आफ्टर दैट इवेंटफुल डे मैंने डिनर हॉस्टल के ही रूफटॉप रेस्टोरेंट में किया विद द न्यू पीपल आई मेट एट द हॉस्टल। यहाँ राजस्थानी फोक सॉन्ग था विद द बैकड्रॉप ऑफ द मेहरानगढ़ फोर्ट एंड दैट वॉज द एंड ऑफ डे 1 इन जोधपुर। Morning, it's the next day, that is day 2 here in Jodhpur and now I'm heading to the market area to have some breakfast and uske baad hum sightseeing tour start karenge Jodhpur ka. Scooty leke hum jayenge, it's like 5 minutes ka drive to a place called Janta Sweets. So let's go there and wahan pe hum log nashta karenge, uske baad din ki shuruaat milte hain. ये हॉस्टल से देखा जाए तो कुछ 5-10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है बट मैं यहाँ पे स्कूटी से आई हूँ एंड हियर आई ऑर्डर्ड द वेरी फेमस दही कचौड़ी। अभी राजस्थान आके ये ट्राई तो ज़रूर करना है एंड ये प्लेस ही काफ़ी फेमस है इसके लिए। मैंने भैया को बोला कि आधा ही बनाओ, मुझसे नहीं जाने वाला है। सो ही वॉज काइंड इनफ टू गिव मी जस्ट हाफ ऑफ इट एंड सारे मसाला वगैरह ऐड करके उन्होंने दे दिया। नाउ लेट्स सी एंड चेक इट आउट। Actually very nice. The kachori is very soft yet very crispy. So it's a nice combination. And ऊपर जो दही डाला है स्वीट दही, वो बहुत ही अच्छा फ्रेश है एंड इसका फ्लेवर विद द कचौड़ी इज लाइक फैब। 60 रुपीज़ का है एंड इट्स क्वाइट अफोर्डेबल एज वेल एंड पेट भर के एक इंसान आराम से खा सकता है। यहाँ पे और भी कई सारे ऑथेंटिक वेराइटीज है जैसे मावा कचौरी, मिर्ची बड़े, समोसा, काजू पैटीज और स्वीट्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डेफिनेटली चेक दिस प्लेस आउट। करंटली आई एम एट अ
आवर नेक्स्ट साइट सीइंग लोकेशन. दिस इज द तुरजी का झरला एंड ये जो मेरे पीछे है दिस इज अ वेरी एंशियंट स्टेपवेल. स्टेपवेल्स राजस्थान में बनाए जाते थे पानी को स्टोर करने के लिए एंड टिल टुडे दिस प्लेस हैज बीन एक्टिंग सोर्स ऑफ वाटर टू द सराउंडिंग एरिया विच इज सो इंटरेस्टिंग. जसवंत थाड़ा. द एंट्री टिकट इज 30 rupees पर पर्सन. अभी मैं एंट्री वाले एरिया में खड़ी हुई. यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा पॉन्ड है. ब्यूटिफुल जसवंत थाड़ा बिल्ड ऑन टॉप ऑफ अ माउंटेन. तो यहाँ से सिटी का भी काफी सुंदर सा नजारा आता है. दिस वॉज बिल्ड बाई महाराजा सरदार सिंह हु वॉज द महाराज ऑफ जोधपुर एंड ही बिल्ड दिस इन द मेमरी ऑफ हिज फादर. सो दिस ऑल्सो सर्व एज अ क्रिमिशन ग्राउंड फॉर द रॉयल राजपूत फैमिली. इट्स मेड आउट ऑफ वाइट मार्बल एंड वेरी मच रिजेंबल्स ताजमहल एंड इट्स हेंस कॉल्ड एज द ताज ऑफ द राजस्थान साइड. यू कैन एक्चुअली गो टिल ओवर देयर ऑफ टॉप से एंड वहाँ से भी आप देख सकते हो कि सुंदर कारीगरी का काफ़ी बड़ा एरिया है. दिस इज़ द मेन पार्ट और भी कई सारे गार्डन्स हैं आसपास विजिट कर सकते हैं. मार्बल यूज टू मेक द जसवंत थाड़ा इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मार्बल जिसका नाम है मकाना मार्बल. ये मार्बल ऐसा पॉलिश और काव किया गया है कि जब भी इस पर सन पड़ता है दैट टाइम इट ग्लोज एंड गिव्स लाइक अ इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट. So I have reached the Mehrangarh Fort entry. Jaswant Thara se kuch 2-3 minute ka hi drive hai to go to Mehrangarh Fort. Neeche parking karna padta hai and then you have to start walking to go on top of the fort. Parking ka charge is 10 rupees but jo chalna hai wo bahut dur hai. Agar aap rickshaw se aa rahe ho to rickshaw gate tak chhod dega ya fir private car se aa rahe ho wo bhi chhod dega. But agar khud ka vehicle se aa rahe ho to neeche park karke upar tak chal ke jana hai which is a task. The entry ticket to this fort is a bit expensive. It's 200 rupees per person. Baki sab jagah entry fee rupees 30, 20, 50 tak tha. And abhi I'm also taken the elevator ticket which is 50 rupees additional. So isse kya hota hai? The elevator will take you to the top of the museum where you can see and visit. And that's hence an additional 50 rupees. If you do not take the elevator, to chal ke jana hai, chal ke aana hai. And mujhe pata chala ki 20 minutes save hota hai because itna bada fort hai and it's spread across a lot of land. So let's go take a elevator first and then start exploring the fort. Lift ka istemal karke I reached on the top of the fort. This is the top floor and yahan se pura city view dikhta hai. आई एम इनसाइड द मेहरानगढ़ फोर्ट एंड वाकई में बहुत ही ग्रैंड और बहुत ही खूबसूरत है. दिस वॉज बिल्ड इन द ईयर 1459 बाई द महाराजा ऑफ जोधपुर राजपूत राव जिला. यहाँ पे 7 गेट है एंड ऑल्सो देर इज वन मोर गेट विच इज बिल्ड बाई मान सिंह महाराजा ऑफ जयपुर. ही बिल्ड दिस गेट बिकॉज ही वन द बैटल बिटवीन जयपुर एंड बीकानेर. तो हर एक गेट का कुछ ना कुछ खासियत है. यहाँ पे आप गाइड ले सकते हो टू नो द कम्प्लीट हिस्ट्री विच विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स एंड एवरी थिंग एंड इट्स 500 रुपीज़ फॉर लाइक 4 पीपल एंड इफ देर मोर नंबर पीपल द चार्जेस इंक्रीज. I think 3-4 hours is what you require to cover this. But look how pretty this is. It is so wonderful. Like the intricate work on wood. I can't even imagine how long this must have taken. Like the artistry over here is mind blowing. And literally छतरियाँ बनाई उसमें खिड़कियाँ है and छोटे छोटे बारीकी वाला काम है ना
वो सच में वाव है। महल के अंदर कई सारे कमरे हैं जिसे म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है। वेपन्स, शाही कपड़े और ज्वेलरी, पालकी, फर्नीचर और रॉयल फैमिली के चीज़ें ऐसे कुछ यहाँ डिस्प्ले में रखे गए हैं। मेहरानगढ़ में 3 कमरे ऐसे हैं जो आपको ज़रूर चौंका देंगे, जो जोधपुर के अलग अलग रूलिंग महाराजाओं ने बनाया था। शीश महल जो पूरा मिरर से भरा हुआ है, छोटे बड़े और रंग बिरंगी मिरर से बना हुआ ये कमरा उस जमाने में महाराजा अजीत सिंह का प्राइवेट कमरा हुआ करता था। अगला है फूल महल, बिल्ड बाय महाराजा अभया सिंह इन 18th century। ऐसा कहा जाता है कि ये महाराजाओं का एंटरटेनमेंट का कमरा था जो एक ज़माने में रियल गोल्ड से भरा हुआ था फ्रॉम सीलिंग टू फ्लोर। तख्त विलास महाराजा तख्त सिंह का कमरा हुआ करता था। ये कमरे में ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल का ब्लेंड दिखाई देता है। महाराजा तख्त सिंह जोधपुर के आखिरी महाराज थे जो मेहरानगढ़ फोर में रहते थे। जनाना, दिस यूज टू बी द प्राइवेट रेसिडेंस ऑफ द रॉयल लेडीज। यहाँ पे कोई भी मेल अलाउड नहीं होता था एक्सेप्ट फॉर द किंग हिमसेल्फ। एंड यही एरिया में एक इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स है। ये नॉर्मली वो बर्ड नहीं है जो हम सिटी में देखते हैं, ये अलग टाइप के बर्ड है। यहाँ पे लिखा भी है लुक एट द सीलिंग। सो ये बर्ड्स है, उनके ये नेस्ट है विच इज़ वेरी डिफरेंट, आई नेवर सीन समथिंग लाइक दिस। ये लगता है कि ये हनी बी का नेस्ट है बट इट्स एक्चुअली ऑफ अ बर्ड। यहाँ पे एक मार्केट एरिया भी आता है, एक पैलेस का शॉप है जहाँ पे आप सुविनर्स, क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड ऑल दोस थिंग्स कुड बी बॉट। एंड अदर देन दैट देन देयर इज दिस लोकल मार्केट ओवर हियर ऑफ लोकल हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स लाइक पेपर मैशे, बी इट कैमल बोल, ज्वेलरी एंड डेकोरेशन। फोर्ट से बाहर आने के बाद देयर इज ऑल्सो अ कैफे कॉल्ड एज कैफे मेहरान दैट यू सी ओवर हियर। यहाँ पे ऑथेंटिक फूड के अलावा पास्ता, पिज्ज़ा, कोल्ड कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें भी मिलती है, सो यू कैन हैव दैट एज वेल। मेहरानगढ़ फोर्ट में जिप लाइनिंग भी होता है, 6 सर्किट्स है यानी कि 6 रोप है एंड पूरा फोर्ट का सर्कल होता है फॉर 2,000 rupees इफ़ यू आर एन अडल्ट एंड 1,700 इफ़ यू आर अ स्टूडेंट। बट अनफॉर्चुनेटली लंच टाइम होने की वजह से आई हैवंट स्टार्टेड इट एंड हेंस आई कैन नॉट डू इट। So I just came from the Mehrangarh Fort and now I'm at a place called as the Open House. It's a cafe जो कुर्जी का झरना के exactly सामने located है, यहाँ से उसका view है। So अभी मैं यहाँ पे lunch करने वाली हूँ। इन द डे आई केम बैक टू द रूम, मैं फ्रेशन अप हुई और मैं 1 घंटा या हार्डली 45 minutes सोई एंड नाउ आई एम हेडिंग बैक टू द सिटी अगेन बिकॉज दोपहर को काफ़ी धूप हुआ था एंड मतलब नहीं बन रहा था इतनी धूप में घूमने का। तो अभी मैं जा रही हूँ मिश्रीलाल लस्सी पीने के लिए, ये यहाँ का बहुत ही फेमस है एंड लोग बहुत दूर दूर से आते हैं ये ट्राई करने के लिए। सो आई एम गोना हेड ओवर देयर, ये घंटाघर पे ही है तो स्कूटी से अर्बुद है। बगल में है ये एंड यहाँ पे मैंने लिया है लस्सी, यहाँ का ये लस्सी काफ़ी फेमस है। इसके साथ मैंने मंगाया है मिर्ची बड़े राइस विच इज़ स्टफ्ड मिर्ची का बड़ा एंड दिस इज एक्चुअली माय फेवरेट। लस्सी है 50 rupees का एंड मिर्ची बड़ा इज 20 rupees। अब ये मेरा इवनिंग स्नैक्स है, तो पहले ट्राई करते हैं लस्सी। इसके ऊपर मलाई डाल के दिया है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के भी लस्सी है बट दिस इज़ द मेन स्टेपल। इट्स रियली नाइस, फील्स लाइक अ डिजर्ट आई एम हैविंग, आई कैन जस्ट keep on eating it. So let's try the mirchi vade. Mirchi bada is what they call. So iske andar stuffing hai mirchi ka. Garam garam serve kiya hai.
So let's have a bite. This is yummy. The flavors are amazing. In Rajasthan, mein kaafi milta hai bahut sari jagahon pe. Do try it. ओके सो इट्स बीन लॉन्ग टाइम. सो मैं गई थी ब्लू लेन की सर्च में. जोधपुर जो ब्लू सिटी कहा जाता है, उधर एक लेन है जो रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पे बहुत सारे घर ब्लू पेंट किए गए हैं. वो नव चौक के वहाँ पे है ऐसा बोलते हैं, बट आई कैन नॉट फाइंड इट. जो भी इंस्टाग्राम में देखते हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट आइदर गेट अ गाइड और हैव समवन लोकल टू टेक यू टू दैट प्लेस, बिकॉज मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया, मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा था. नाउ आई एम गोइंग टू पचेतिया हिल्स. ये पचेतिया हिल्स का एंट्री एरिया है. यहाँ पे भी दोनों वॉल्स पे पेंट्स किया गया है बहुत खूबसूरती से. लेट मी शो यू दिस एंड देन वील मूव फॉरवर्ड एंड गो टू द टॉप. I reached to a point जहाँ पे पंचमुखी हनुमान का मंदिर है and that's the temple that you see behind me. तो मैंने दर्शन ले लिए है. बहुत ही अच्छा मंदिर है और बहुत ही बड़ा हनुमान जी का मूर्ति है. अभी आगे बढ़ के I can see the whole city from this location, the city of Jodhpur, and मैं काफ़ी ऊपर हाइट में आई हूँ. सारे घर दिख रहे हैं, यहाँ पे पूरा शहर दिख रहा है and I could see the lane from where I came over there. On the way of Pachetia Hills, I found this lane which is also all blue. ये वो वाला lane नहीं है which I was searching for, but it's all blue and looks very pretty. There are reasons for painting all the houses over here blue. Number one is like ये शिवा का color माना जाता है, and the other reason is that ये mosquito repellent करता है, and the next reason is that गर्म जगह में ठंडी पहुँचाता है, because Jodhpur is very hot and humid, so blue color is a cooler color, makes the weather a lot cooler. So I'm back to this hostel and I'm gonna end the vlog over here as well. रात का प्लान बहुत चिल होने वाला है मेरा. I'm just gonna have dinner and just call it a day, because early morning मेरा bus head to Udaipur. So I'm going to Udaipur next for 2 days. So that is going to be the next to next vlog, because इसके बाद आने वाला vlog होने वाला है जोधपुर का shopping. I know इस vlog में मैंने एकदम depth में नहीं दिखाया, because एक shopping का separate vlog तो बनता ही है. So while traveling solo, the only issue that we face is that to travel first of all, because map भी देखना पड़ता है, road भी देखना पड़ता है, गाड़ी भी चलाना पड़ता है, it's a lot. And the second thing I would say is that nobody is there to click your photos and videos, but yeah, it's a good experience. You get to learn so much, you get to meet new people. So I met a couple of new people over here, made friends, and it was really nice is hearing their story, and it's like so inspiring for like future travels as. I hope this video was helpful for planning your next trip to Jodhpur. So thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off. Until I meet you again in a new place, in a new city. Bye bye.